अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल कदीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल HFD। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप पिकसार्ट के अंदर अपनी जो फोटोज़ का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, किस तरह कलर्स चेंज कर सकते हैं, चाहे क्लॉथ हो चाहे बैकग्राउंड का कलर हो, जिस तरह का भी आप चाहें उसको चेंज कर सकते हैं, और एक अच्छी पिक्चर किस तरह एडिट कर सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं ये आपके सामने है, इस तरह बिल्कुल ये आपको एक मुकम्मल ट्यूटोरियल मैं बताने जा रहा हूँ, आपने कुछ स्टेप नहीं छोड़ना। तो चलते हैं, सबसे पहले आपने पिकसार्ट को ओपन कर लेना है। तो पिकसार्ट को जैसे आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा, नीचे बना है प्लस का निशान, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये लिखा ऑल फोटोज़, आपने इसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आपने एक बैकग्राउंड को पकड़ लेना है, कोई भी बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट कर लेनी है। बहुत सारी बैकग्राउंड्स हैं, आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया और नीचे जो आइकन बने इनको स्क्रॉल डाउन करूँगा और लिखा ऐड फोटोज़, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा और एक पिक्चर को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा के मैं एडजस्ट कर लूँगा। अब मैं इसकी बैकग्राउंड चेंज करूंगा, वो किस तरह करनी है मैं आपको बताता हूं। आपने ऊपर ये बना ई रेजर का निशान, आपने इसके ऊपर क्लिक करना, ये फर्स्ट वाला बना है पर्सन लिखा, इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो ये सारी बैकग्राउंड जो है ये रिमूव होके आपके सामने आ जाएगी। ये देख लीजिए इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। अब मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद ये लिखा है FX, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करना है और ये लिखा कलर रिप्लेस, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपने जिस कलर को रिप्लेस करना है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और ये रिप्लेस हो जाएगा। तो ये ऊपर ये रिप्लेस हुई तो आपने इसके ऊपर इस तरह क्लिक करके इसका कलर चेंज कर लेना है। तो इसी तरह आपने इस ये कलर चेंज कर लेना, ऊपर ओके का निशान है, यहाँ आप क्लिक करके ओके करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद ये नीचे स्क्रॉल डाउन करना, ये लिखा एडजस्ट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। एडजस्ट करने के बाद ये ब्राइटनेस बना, आपने थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है। उसके बाद ये कंट्रास्ट है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। आगे क्लैरिटी, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इस तरह सिचुएशन, आपने इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो उसके बाद हाइलाइट्स, आपने इसको भी थोड़ा सा कम कर लेना है। तो आगे शेडो, आपने इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो इस तरह करके आपने अपने कलर जो हैं ये चेंज कर लेने हैं। तो ये देख लीजिए, तो आपने सेव करना है, तो ये जो एरो का निशान है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये गैलरी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ये सेव टू गैलरी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।